अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ के स्पेयर पार्ट्स कारोबारी इकलास सैफी हत्याकांड का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया। बकौल पुलिस, हत्या की वजह दोनों के आपसी संबंध थे, जिससे हत्याभियुक्त बेहद आहत था। इकलास को मारने से पहले हत्याभियुक्त प्रियांशु और प्रयाग ने उससे वीडियो भी बनवाई थी। ब्लाइंड मर्डर होने के बावजूद पुलिस ने मौके से बरामद एक बियर कैन के बार कोड से इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। संपूर्ण घटनाक्रम का महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इकलास के परिजनों ने जिन लोगों को नामजद किया था, वे जांच पड़ताल में निर्दोष पाए गए। अमूमन पुलिस बिना जांच पड़ताल किए नामजदों को गिरफ्तार कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेती है, लेकिन इस मामले में पुलिस कप्तान प्रभाकर चौधरी के दिशा निर्देश के कारण ऐसा नहीं हुआ और निर्दोष लोग जेल जाने से बच गए। इकलास ग्राम कमालपुर थाना मेडिकल का रहने वाला था। बीती 13 मई को परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र में आम के बाग में गोली लगा एक शव बरामद हुआ था। बाद में उसकी पहचान इकलास सैफी के रूप में हुई। बेटे फतेह खान ने तब आरोप लगाया था कि भावनपुर थाना क्षेत्र गेसुपुर दतावली गांव निवासी सादिक ने पिता से 10 लाख रुपए उधार लिए थे। रकम वापस करने के बजाय वह घर से पैसे लौटाने के बहाने पिता को साथ ले गया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने तहरीर पर सादिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। जांच पड़ताल में सादिक निर्दोष पाया गया और हकीकत सामने आ गई। मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने आज मीडिया को इस बारे में यह जानकारी दी। ये देखिए, इसमें नेम्ड मुकदमा था। वैसे तो एक व्यक्ति की गोली लगी थी, जिसमें नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था। नामजद लोगों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं इसमें, और फिर पुलिस ने टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पे जितने भी उस एरिया के फुटेज हैं, सीसीटीवी फुटेज हैं, कम से कम 200 से 250 निकाले गए। और फिर एक दुकान से ये शराब खरीदते हुए दिखा एक व्यक्ति और जो मृतक था, और फिर उसकी पूरी जांच की गई, लिंक जोड़ा गया, तो इसमें एक वीडियो भी मिला जो कि मर्डर करते समय का था वीडियो, और बहुत ही क्रूर तरीके से हत्या की गई थी जिसका मर्डर किया गया था, उससे वीडियो भी बनवाया जा रहा था। एक गंभीर मामला है, परंतु इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि कुछ निर्दोष लोगों के नाम दिखाए गए थे, वो बच गए, और जो वास्तविक अपराधी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसको जेल भेजा जा रहा है, और इसमें 65B के सर्टिफिकेट सहित सारे एविडेंस मौजूद है। इसमें कोशिश की जाएगी कि जल्दी से इसमें सजा भी हो जाए। एक तो वजह क्या थी हत्या की और कैसे खुलासा हुआ, क्या बीएपी कैन के बारकोड से? नहीं, ये हत्या की जो वजह थी, इन लोगों का आपसी संबंध था, और ये जो मारने वाला है काफ़ी आहत था, उसके इंट्रोगेशन से भी ये बात पता चली। साथ ही जो घटनास्थल था वहाँ पे एक बियर की बॉटल भी पड़ी हुई थी, उसी बॉटल के माध्यम से जो उसके स्पेसिफिक निशान होते हैं, बारकोड होता है, इसके माध्यम से पुलिस ने ट्रेस करना शुरू किया। तो बहुत छोटा एविडेंस था, लेकिन घटनास्थल को सही तरीके से प्रिजर्व किया गया था, और उसकी वजह से केस वर्कआउट हुआ। इसके हाथ में तमंचा था उस समय, और मृतक को इसने बिठा दिया था नीचे ज़मीन पर, और उसी से वीडियो बनवा रहा था। वीडियो भी पुलिस के पास मौजूद है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।